सर मैं माननीय मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो बोर्ड्स की परीक्षाएं थी उन्होंने उसको एक नतीजे पे लाके छोड़ा है। ये नहीं है कि आगे पोस्टपोन करते जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि लगातार मेंटल स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा था स्टूडेंट्स पे। वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, इफेक्टिव स्टडी नहीं हो पा रही थी, और जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत की है वो आगे जो एंट्रेंस एग्जाम आ रहे हैं वो उन्हें बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे। और जो मोदी जी ने हम यूथ पे भरोसा दिखाया है उस पे भी हम अमल करेंगे। और बहुत सारे विलेज एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए, हमारी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार का ये जो फैसला है वो बहुत सही है। और सारे अभिभावकगण जो हैं उनकी सारी परेशानियां हल की हैं मोदी जी ने इस निर्णय को लेकर, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि कोरोना है, बच्चा एग्जाम में पास हो गया लेकिन अपनी जिंदगी जिंदगी से हाथ ना धो बैठे, तो एक डर बना रहता। और जैसे मोदी जी हमेशा कहते हैं कि परीक्षा एक त्योहार के जैसे होती है, तो जब हर बच्चा खुश नहीं है, खुशियां नहीं बढ़ रही है, तो वो त्योहार कैसा? तो मैं बस धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर, माननीय मोदी जी को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने ये फैसला लिया। बोर्ड एग्जाम कैंसिल करके उन्होंने ना ही सिर्फ हमारी सेहत को प्रायोरिटी दी, बल्कि हमें जो भी वो डेट्स कंटिन्यू हो रही थी, हम जो कंफ्यूजन थी उनको मिटाया। उन्होंने हमारी हेल्थ को प्रायोरिटी दी और हमें एंट्रेंस के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी टाइम मिल गया है। तो मोदी जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा और आप सभी बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन मीटिंग करके आपने हमारे विचार लिए। थैंक यू सर। हम दोनों अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत बहुत आभारी हैं, उनका बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी। और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी टेंशन कम हो गई है। थैंक्स टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू से अबाउट समथिंग। 12th क्लास का बोर्ड मोदी जी ने जो कैंसिल करा है उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने हमारी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दी और हमारे बोर्ड कैंसिल करे, उन्होंने हमारी हेल्थ को सबसे आगे रखा और ये फैसला हमारे हित में लिया, क्योंकि हम इतने डिप्रेशन में हो रहे थे, इतना स्ट्रेस ले रहे थे कि एग्जाम्स कब होंगे, बार बार पोस्टपोन हो रहे थे इस डेट से इस डेट तक। तो ये जो स्ट्रेस लेवल था उन्होंने बहुत कम कर दिया और हमें ये अपॉर्चुनिटी भी दी कि अब हम कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे तो उसमें भी हम एंट्रेंस एग्जाम देके हम कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। और ये फैसला सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे पेरेंट्स के लिए भी बहुत सही है कि हमारी हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारे पेरेंट्स भी हेल्दी रहेंगे। सो थैंक यू सर। I would like to express my gratitude to our Honorable Prime Minister for becoming our life savior, as he has taken our health first and foremost priority. This constant delay in exams had become a really terrible dilemma for us because it created a mental stress and anxiety in our mind for a prolonged period. So I would like to thank to our Prime Minister and central government for relieving our stress and fear for our future amidst the pandemic. Looking forward for a gleaming future. Thank you.